हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की ऐसी मौसीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मेरे लाला लाली ऐसे क्यों विराजे हैं। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी दोपहर हो चुकी है और मैंने मेरे लाला का जो श्रृंगार वगैरह है, लाली का, वो सब इस तरीके से देखिए हल्का कर दिया है, हटा दिया है। आज एक बहुत अहम विषय, एक बहुत अहम चर्चा आपके साथ लेकर के आई हूँ। काफ़ी लोगों का प्रश्न है ये, और ये एक बहुत ही जनरल बात भी है। मैंने देखा है कि लोग इस चीज़ को बहुत गलत वे में ले जाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है कि लाला लाली का माला यदि टूट जाता है। देखिए इस तरीके से यदि माला मेरी लाडो ने जैसा लिया हुआ है, अगर ये अपने आप टूट जाता है तो क्या ये कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है आपके ऊपर, या कुछ बहुत गलत होने वाला है, उसका संदेश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो। देखिए कभी भी जप माला हो, या जिस तरीके से देखिए मेरी लाली ने माला पकड़ा हुआ है उस तरीके का माला हो, या लाला ने लाली ने माला पहना हुआ है और अगर वो माला टूट जाता है, स्वयं से टूट जाता है। देखिए एक तो होता है कि आपने क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी, आपने स्नान कराने के लिए उतारा, बार बार उतारते गए, रखते गए, तो एक टूटना होता है, और एक होता है खुद से ही टूट जाना। तो देखिए इसका जो बहुत लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो एक बहुत जनरल बात होती है, और आप कहीं पे भी किसी भी आप उसमें पढ़ भी लोगे तो आपको पता चलेगा कि यदि माला टूट जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो कि मेरी लाडो ने, मेरी लड्डू बाबू ने, मेरे बिहारी लाला ने उसको संकट को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। क्योंकि आप ये सोचिए, जो ये माले होते हैं, ये माले कोई खास माले या कोई बस आपको जो लगते हैं ये वैसे माले नहीं होते हैं कि आप जाप करते हैं, सांसें होती हैं इनमें, जीवन होता है इनमें। आप सोचिए मालों से ही आपको भविष्य अपना, आपको हर चीज़ माला आपको पहले ही अवगत करा देती है। और इसी प्रकार से यदि माला आपका स्वयं से टूट जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई, घर के मुखिए के ऊपर सच में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जिसको मेरी करुणामयी सरकार ने, मेरी प्यारी श्यामा श्याम ने अपने, जो उनकी माला ने उसको अपने ऊपर ले लिया और उसको ख़त्म कर दिया संकट को जी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों का है कि कोई बहुत बड़ी बात है या कोई बहुत बुरा होने वाला है जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ बुरा होने वाला नहीं होता है, होगा नहीं, होने वाला होता है जिसको मेरी लाडो ने, मेरी श्यामा श्याम ने बिल्कुल माला, उन्होंने, उनके माले ने अपने ऊपर लेकर के आपके संकट को ख़त्म कर दिया है जी। और फिर बात आती है कि देखिए माले टूटने के दो रीजंस होते हैं। जैसे एक तो माला काफ़ी पुराना हो गया है, आप जप कर रहे हो और तब टूट जाना, तो आपके स्वयं से टूट जाना, आपकी लापरवाही से टूट जाना तो अलग बात होती है, लेकिन अपने आप ही की माला आपका सुलझा हुआ है, उलझा भी नहीं है और स्वयं से ही अपने आप टूट गया, तो उसका जो सबसे बड़ा संकेत होता है वो यही होता है जी। और देखिए दूसरा एक संकेत होता है शुभ संकेत की, दूसरा जो शुभ संकेत होता है वो है कि यदि माला स्वयं से टूट गया है तो इसका मतलब है कि मेरी लाडो ने आपको, आपकी सेवा से वो प्रसन्न है। इसका कोई निगेटिव मतलब नहीं होता है। तब माला स्वयं से टूट गया और आपकी सेवा से लाली ने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे दिया। तो कभी भी देखिए कोई भी नेगेटिव चीज़ मत सोचिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ मत सोचिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए ये लोटा है, इसमें जल है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये जल पूरा नहीं भरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे देखिए ये जल है और लोटा है, लेकिन इस जल में तो गैप है, वो लोटे में तो गैप है, जल पूरा नहीं भरा है। लेकिन जो समझदार आदमी होगा, जो पॉजिटिव आदमी होगा, जिस पे असीम कृपा लाला लाली की होगी और जिन पे, जिनका विश्वास मेरी लाडो श्यामा श्याम पे होगा, तो वो ये कहेगा कि देखिए लोटा जो है वो आधा भरा है, मतलब कि अरे इतना तो भरा है, बहुत भरा है। तो यही भाव लाइए, कभी भी ये भाव मत लेकर के आइए कि अरे ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप तो मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में है ना, तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी लाडो इतनी दयालु हैं कि वो हर पल हर क्षण अपने भक्तों को अपने गोद में लेती हैं, उनका नाम भी कोई पुकार लेता है तो लाडो उन पर इतना दया करती हैं कि उनको अपने गोद में ले लेती हैं। तो आप तो लाडो के बहुत बहुत दुलारे हो जी।
तो ये कभी भी मत सोचिए, ये भाव कभी भी मत लाइए कि हाँ कुछ गलत होने वाला था। माले टूटने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो सबसे बहुत सारे लोगों का अपने अपने मत होता है, वो कहते हैं कि बहुत अशुभ हो गया, ये माला नहीं टूटना चाहिए था। भाई ये माला क्यों टूटता है, इसका जो मेन्स आपको संकेत था वो मैंने बता दिया। बाकी देखिए, लाला लाली के श्री चरणों में हर पल हर क्षण अपना, आप बस उन्हीं के चरणों में हैं, तो कोई कैसा संकट जब मेरा श्यामा श्याम हमारे साथ हैं जी। तो इस तरीके से माला यदि आपका भी स्वयं से टूट जाए तो दुखी मत होइए, लाडो और मेरे श्यामा श्याम आपकी सेवा से प्रसन्न है, आपके ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि सोचिए उनके माले ने आकर के आपके ऊपर का संकट अपने ऊपर ले लिया। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी, हरी बोल।